अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैला सिंपल सीक्रेट्स। आज की रेसिपी है रोस्टेड लैम लेग विद वेजिटेबल्स। लैम रोस्ट लेग के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक लैम की लेग। उसको अच्छे तरीके से धो लें और इस तरीके से उसमें कट्स लगा लें। टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून योगर्ट। सबसे पहले हम सॉल्ट को अच्छे तरीके से पूरी लेग में अच्छे तरीके से रब कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने सारे सॉल्ट को इस पे मिक्स करके अच्छे तरीके से सारे पार्ट्स पे लगा लिया है सही से। जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब हम इसको लेग पे अच्छे से लगा देंगे। ऑलिव ऑयल, हल्दी पाउडर, मैंने ऑलिव ऑयल और हल्दी को भी अच्छे से इसके ऊपर मिक्स करके लगा दिया है। अब मैं सारे इस पे मसाले डाल दूंगी। पापरिका, जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सूख मिर्च पाउडर, योगर्ट। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं सबको, सारे मसालों को। यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे लगा लेंगे। ये हमारी मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। हमने अच्छे तरीके से सब कुछ इसमें इक्वली स्प्रेड करके लगा दिया है। हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो 2-3 आवर्स के लिए इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। रोस्टेड वेजिटेबल्स के लिए जो मैं वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ वो ये हैं। 1 कप मटर, 1 कप स्वीट पोटैटो, 1 कप कैरेट्स, गाजर, मैंने इनको इस तरीके से काट लिया है, 1 कप आलू, 1 कप ब्रोकली एंड 1 ऑनियन, मैंने उसे इस तरीके से काट लिया है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने 5 जो है लहसुन के इस तरह से ले लिए हैं जुए, 1 टमाटर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल।
यहाँ पे मैंने ओवन की ट्रे ले ली है और इसमें फॉइल बिछा लिया है। सबसे पहले आप इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, स्वीट पोटैटो, गाजर, आलू, रेड चिली एंड क्रश चिली, मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसमें थोड़े से ऑलिव्स भी डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, मुझे बहुत पसंद है ऑलिव्स, सो आई एम गोना ऐड सम इन। और साथ ही मुझे लग रहा है कि इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी मैरिनेशन इनकी भी हो गई है। अब हम इनके ऊपर एक गिलास पानी, इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। साथ ही हम इस रैक को रख देंगे ऊपर। अब हम इसके ऊपर ये अपनी लैम लेग जो हमने मैरिनेट करके रखी थी इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी का डाला था लेकिन मैं आधा गिलास पानी का और डाल रही हूँ, मुझे पानी कम लग रहा है इसमें। ऊपर किचन फॉइल से इसे अच्छे तरीके से फिर को रैप कर देंगे। मैंने इसे अच्छे तरीके से अल्मोनियम फॉइल से रैप कर दिया है ट्रे को, अब मैं इसे ओवन में रख दूंगी। मैंने इसे अच्छे तरीके से अल्मोनियम फॉइल से रैप कर दिया है और ओवन को मैंने परहीट कर लिया था, अब मैं इसे ओवन में रख दूंगी। यहाँ पे लैम लेग बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये कितनी टेंडर एंड जूसी तैयार हुई है। वेजिटेबल्स को मैंने 1 आवर के बाद ही निकाल लिया था लेकिन लैम लेग को 2.5 आवर्स के लिए कुक किया था गैस मार्क 200 पे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वेरी इजी टू फॉलो रेसिपी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है और बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करना कि मैं क्या प्लान करूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।